subscribe, like, on and share my channel. Thank you. Hello friends, welcome back to Taste Bud. तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बालूशाही की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही जूसी होती हैं, और अगर कि हम सब बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें तो ये बहुत बनाने में इजी भी होती हैं। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़े से इजी स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी। फर्स्ट अटैम्प में आपकी बहुत टेस्टी बालूशाही बन जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है, आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो, मैंने एक मैदा लिया है, एक कप मैदा लिया है, तो आप दो कप मैदा भी ले सकते हैं। और इसका 1/4 कप मैंने लेना है देसी घी। देखिए, इस टाइप के पकवानों में देसी घी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। अगर हम इसको देसी घी में बनाएं तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, और मैं थोड़ा सा नमक दूंगी क्योंकि मीठे में हल्का सा सॉल्टी टेस्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, हल्का सा मैंने इसमें नमक दिया है पिंच पर। देन मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर, और मैं इसको अच्छे से पहले मिला लूँगी। पहले मैं इस जो घी को पहले अच्छे से मोयन की तरह पहले मिला लूँगी, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक अच्छा सॉफ्ट डो बना लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हम ये हटा लेते हैं। हम हाथ से इसका अच्छे से डो बना लेते हैं, क्योंकि हाथ से अच्छे से डो किसी चीज़ से नहीं बन पाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। हमें इसको रोटी के आटे की तरह नहीं गूंथना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम पानी मिलाते हुए हमें इसको बस मिक्स करना है, हमें इसको डो की तरह मलना नहीं है, रोटी के डो की तरह, ठीक है? तो हमें इसको बस मिक्स करना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे समेट के बस एक डो बनाना है। मैं इसको अच्छे से समेट लूँगी सब चीज़ों को। हमें देसी घी की क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखना है, हमें देसी घी कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी कम करेंगे तो टेस्ट गड़बड़ हो सकता है। मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्टली इसी तरीके से रखेगा, और अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा, रेशियो यही आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कप से ले रहे हैं, या ग्लास से ले रहे हैं, या कटोरी से ले रहे हैं, तो आप उस मेज़रमेंट को ध्यान से रखिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने बस सिमटा दिया है इसको, अच्छे से मला नहीं है, बस इसका ये जितना भी था इसको अच्छे से एक डो सा बना दिया है। और मैं इसको 15 मिनट के लिए प्लेट से ढक के रख दूँगी। यहाँ मैं इसकी चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने 1/2 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी। तो चाशनी के लिए हमें सेम इसी तरीके से रखना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 कप चीनी, तो 1 कप पानी, तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है, तो 1/2 कप पानी, तो चीनी की 1/2 क्वांटिटी में हमें पानी रखना है। और इसकी चाशनी इस तरीके से बनानी है, एक तार की। तो उसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है, अगर कि आपको नहीं है पहचान चाशनी की, कि आप हाथ से नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो देखिए पहले इसको बॉयल होने देते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा बॉयल आने लगा है, हमारी चाशनी थोड़ी सी अभी देखिए इस तरीके से, अभी तो टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया है, आप चाहें तो येलो कलर भी डाल सकते हैं, बट केसर नेचुरल कलर देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इसलिए मैंने केसर का यूज़ किया है। तो देखिए, मैं इस तरीके से चेक करूँगी, अभी हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी नहीं है परफेक्टली, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, हमें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की रखनी है। तो देखिए, आप जिस इस तरीके से अगर आप स्पून को उठाएंगे तो लास्ट में जब आपकी ड्रॉप रुकेगी, जो चलेगी सबसे लास्ट में बचेगी, तो वो आपके तार की तरह आएगी, वो सबसे लेट गिरेगी। तो इट मीन्स आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें चाशनी को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए, लास्ट वाली हमारी किस तरीके से गिर रही है, तो देखिए लास्ट में हमारी ये बहुत स्लो हो गई थी स्पीड, तो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। वो मैं अलग गैस चूल्हे पर रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने देसी घी ले लिया है, इसको मेल्ट होने के दूंगी, और आप चाहें तो ऑयल में कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें देसी घी में ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारा देसी घी ले लिया है, इसको मैं मेल्ट करूँगी। और इसका टेम्परेचर बालूशाही तलने के लिए हमें बहुत ही नॉर्मल रखना है,
मतलब इसका ये है कि हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा बालूशाही का जो डो था वो रेडी हो गया, मैंने उसको मला नहीं था और मैं देखिए इस तरीके से लेयरिंग आए। इस चीज़ के लिए हम इसको हल्का सा खींच लेंगे और अब देखिए मैं इसकी छोटी छोटी बॉल तोड़ूँगी कुछ इस तरीके से। जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनानी है कुछ इस तरीके से राउंड 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 घुमाते रहिए, जिससे कि हमारी जो लेयरिंग होती है ना बालूशाही में वो परफेक्टली आए, बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से होल नहीं करना है, अभी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी किस तरीके से आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। अगर कि आप इस तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी परफेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी परफेक्ट बालूशाही बनेगी। तो देखिए पहले मैं बॉल तोड़ ली हूँ और उसको राउंड राउंड मैंने अच्छे से घुमा लिया है और अब मैं इसको पूरा इसका होल निकाल दूंगी। इससे क्या होगा, अगर ये पूरा होल होगा तो हमारा जो शुगर का सिरप होगा वो पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये बहुत जूसी बनेगी। तो आप इस तरीके से बनाइए और इसको पूरा होल कर लीजिए अच्छे से। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बालूशाही बनेंगी और बहुत क्विकली बन जाएंगी। और देखिए हमारी एक एक में बालूशाही में देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है और लास्ट में जो मेरा ये बचा है मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। चेक कर लेते हैं इसको, ये हमारा घी रेडी है। मीन्स देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है, हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है, हमें तेज़ बिल्कुल नहीं करना। आपको स्टार्टिंग के 6-7 मिनट बालूशाही को बिल्कुल लो आँच पर सेकना है। इसको आप समझ लीजिए कि जो आपका अगर 1 नंबर लोएस्ट है तो आपको लोएस्ट पे ही सेकना है, जब तक ये डबल साइज़ में ना हो जाए। हमें इसकी गैस देखिए हल्का हल्का सा घी में बबल्स आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये हमारी बालूशाही फूलने लगी है। हमें इसको छेड़ना भी बिल्कुल नहीं है, मीन्स आपको करछी वगैरह नहीं लगानी है। इससे क्या होगा, जो हमारा ये बालूशाही फूलेंगी वो दिक्कत कर सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हमें करछी बार बार नहीं लगानी है। जब तक कि हमारी ये डबल साइज़ में ना जाए तब तक हमें करछी भी बिल्कुल टच नहीं करनी है। देखिए अब हमारी ये डबल साइज में हो गई है ऑलमोस्ट। मैंने हल्का सा फॉक की हेल्प से देख लिया है कि मेरी ब्राउन हुई नहीं। तो देखिए अब इस स्टेप पे आके देखिए हमारी कैसी थी जब मैंने सबसे पहले छोड़ी थी और अब देखिए साइज़ कितना बड़ा आ गया है ना। तो देखिए अब इस स्टेप इस स्टेज पे आके आपको गैस थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और दोनों साइड से आप धीमी धीमी आंच पे दोनों साइड से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकनी है। सेम इसी तरीके का कलर आना चाहिए और आपको गरम गरम अपनी चाशनी का भी टेम्परेचर हल्का सा गुनगुना रखना है, हमें ठंडा नहीं रखना है, हल्का सा गुनगुना जिससे कि एब्जॉर्ब कर ले चाशनी को ये एकदम से। और दो दो मिनट के लिए दोनों साइड से चाशनी में डिप करके रखिए जिससे कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चाशनी इसमें। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत टेस्टी और देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप बना के देखिए और देखिए दोनों साइड से पलटने के बाद मैं इसको अच्छे से प्लेट में निकाल लूँगी। मेरे इतने 1 कप मैदा में करीब 12 बालूशाही बन गई थी और बाकी आप देख लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी तो आप अपना उसका रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम एक एक करके बालूशाही अपनी निकाल लेंगे। धीरे धीरे निकालिएगा वरना ये इतनी फूकी होती हैं टूट सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप इसको 1 हफ्ता रख के आराम से खा सकते हैं स्टोर करके, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट रहती हैं ये। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरा अपना बैच अच्छे से सेक लेंगे और देखिए हम अपनी हमने दूसरा बैच भी अपना अच्छे से सेक के उसको डिप करके निकाल लेंगे। केसर से बहुत ही अच्छा कलर आता है तो केसर डालिए, कलर से बेटर है कि केसर डालें नेचुरल कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। और देखिए मैंने हल्का सा पिस्ता कट करके इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है, प्लस हल्का सा सिल्वर फॉइल लगा देंगे और इससे ये बालूशाही देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव बनेगी और टेस्ट में तो ये अमेजिंग बनी ही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बालूशाही के एक एक स्टेप फॉलो करके बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी बालूशाही एग्जैक्टली बनी कि नहीं बनी ये भी बताइएगा। तो देखिए कितनी टैम्पटिंग लग रही है हमारी बालूशाही, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ये बहुत अमेजिंग बनी थी।
बहुत ही जूसी। आप देखिए अंदर तक जूस इसके एब्जॉर्ब हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बालूशाही बना के देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की इजी और क्विक रेसिपी हमेशा आगे भी मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।